हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय व्लॉग। अभी ड्यूटी इतना ज़्यादा हो रहा है कि जिस वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा आदमी को वीडियो वगैरह कोई भी शूट करने का बनाने का, तो ड्यूटी में ही मशगूल हो जा रहे हैं। सुबह जाते हैं रात आते हैं, जिस वजह से कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, जिस वजह से कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी अभी खाना वाना खा करके अलहमदिल्ला रूम से निकले हैं, अभी आगे चलते हैं वकाला में, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना है, उसके बाद फिर आगे। अभी तो अल्फनार का जितना भी बंदा आया इस बार जितना भी बंदा अल्फनार का आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सैलरी लगा करके आया पाकिस्तान से। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। अभी इससे पहले जितना भी आया था ज़्यादातर पाकिस्तान से लेबर ही उठाता था, लेबर ही लोग आता था, तो 1100 बेसिक में आता था। अभी वायरमैन आया है और आपका जगह इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन आया है, ये सब की क्या सैलरी लगाया पूरा डिटेल आप लोग को अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं मेन रोड के पास हूँ, रोड क्रॉस कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आप लोग को बताता हूँ। तो अभी रोड क्रॉस कर चुके हैं, पीछे पेड़ के पीछे देख रहे हो बिल्डिंग है, बस रोड क्रॉस करते हैं, सामने वकाला है। तो वकाला आल खाना हो गया थोड़ा टाइट, ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको हज़म करना पड़ेगा, ज़रूरी है, रात का भी वक्त है, तो इसीलिए वकाला से एक ब्लॉक ले लेंगे, उसके बाद फिर आगे आप लोग से मैं मिलता हूँ। कौन सा लेना है, मैं एक ही तरह का पीता हूँ कोल्ड ड्रिंक, आपको मैं दिखाता हूँ ड्यू है, मैं ज़्यादातर वही पीता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक में, बाकी एनर्जी ड्रिंक वगैरह वो नहीं यहाँ पर दिख रहा है, जो भी मैं दिखाता आप लोग को ये वाला है। तो मैं ये ड्यू ले लिया हूँ लेकर के, अभी उधर जगह है, उधर बैठ करके पार्किंग एरिया है, उधर बैठ जाएंगे, बैठ के आराम से पी लेंगे जब तक आप लोग से गुफ्तगू भी हो जाएगी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था वायरमैन का जो सैलरी वगैरह है, अभी 2200 रियाल में, पाकिस्तान का जितना भी वायरमैन अभी आया सब 2200 रियाल में आया है। और एक टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, उसकी सैलरी मैंने पूछा तो वो 2600 रियाल बोला है, उसको 2600 रियाल एसी टेक्नीशियन का लगाया है, और बाकी वायरमैन लोग को 2200 लगाया है। एक दो बंदा उसमें है जिसको 1700 लगाया है, वरना जितना भी वायरमैन है सबको 2200 सैलरी लगाया है। तो अभी अल्फनार में जो भी है बहुत अच्छा बेहतर सैलरी वगैरह दे रही है, तो इसीलिए आप लोग भी आए तो कोशिश करें अच्छी सैलरी लगा करके आए। अभी वायरमैन अभी जितनी भी अभी देखिए इंडिया में क्या सैलरी लगा रहा मालूम नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सैलरी लगाया है। बाकी आप लोग भी देख लें इंडिया में आ रहे हैं तो क्या सैलरी वगैरह लगा रहा है। मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गाड़ी आ रहा है वीडियो के चक्कर में, कोई ऐसा घटना ना घट जाए एक मिनट। वो भी ऐसा नहीं कि सब कोई रिटर्नर होगा ये होगा, सब फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम बंदा लोग आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी सैलरी लगा करके आया है। इसीलिए आप लोग भी कोशिश करें जब भी आए, कोई भी कंपनी में जा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अल्फनार में ही, अच्छी कंपनी कोई भी जा रहे हैं, सैलरी वगैरह अच्छे से तहकीकात कर लें, अच्छी सैलरी में जाएँ तो ही बेहतर है, वरना कम सैलरी में आने के बाद यहाँ रोना पड़ता है, तो ऐसा काम करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। थोड़ा लेट हो लेकिन अच्छी सैलरी में, महीना 6 महीना साल भर तक वेट करना पड़े तो वेट करें अच्छी कंपनी के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, उसके बाद ही विदेश का चक्कर लगाएं, वरना इतना दूर आ करके जब सैलरी कम आती है, बाकी साथ वाले लोग का रूम पार्टनर का सैलरी जब आता है अकाउंट में तो वो उससे पूछते एक दूसरे से पूछते हैं तो बोलता है मेरा इतना, वो बोलता है मेरा इतना, तो उस टाइम फिर खुद की जब सैलरी कम रहती तो अखरती है बंदे को, इसीलिए ये सब चीज़ का ख्याल रखें। बाकी मैं बाहर में एक सोफ़ा लगा हुआ उसी पर बैठ गए हैं, बैठ के अभी आराम से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, उसके बाद रूम चल जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे ड्यूटी जाएंगे, आएंगे नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पियेंगे, टाइम हो जाता है 10 बज जाता है सो जाते हैं। तो ये मुख्तसर सा टाइम जो बचता है, घड़ी घंटा रहता है वक्त हाथ में, उसी में आप लोग के बीच आ गए, घर द्वार बातचीत किए, वक्त निकल जाता कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जल की परदेश की ज़िंदगी किसी तरीके का होती है, किया भी किया जा सकता है,
चलिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।